kill. चलो भाई देखो अपने क्या तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं ना ऑटो हेडशॉट मारने के लिए तड़प रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने आगे तो क्लिप देख लिया होगा कि मैंने किस तरीके से ऑटो हेडशॉट मारा। तो भाई आप भी इसी तरीके से मार सकते हो, बट यहाँ पे आप सभी को जो भी मैं बताऊंगा उसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। सेंसिटिविटी एंड सेटिंग है बस, आपको ज्यादा नहीं। और हाँ बोले यहाँ पे बहुत सारे बंदे और भी ये भी करते हैं कि यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो देख देख के थक चुके होंगे फिर भी यहाँ पे उनका ऑटो हेडशॉट नहीं लग रहा है। तो भाई उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है कि आपका ऑटो हेडशॉट मारने के लिए ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर गेम प्ले के अंदर अगर ऑटो हेडशॉट ना लगे तो भाई कसम खा के बता रहा हूँ कि इसी वीडियो के अंदर आप गाली बोल सकते हो। बट यहाँ पे आपने आगे क्लिप देखा होगा, मैंने लाइव प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से मार रहा था, उसी तरीके से आपको भी मार के दिखाऊंगा। इसीलिए तो चलिए भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर सेट नहीं किया है तो कर लो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंटरव्यू के बाद। तो चलिए गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। बोले यहाँ पे आपको सबसे पहले ना सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आ जाना है अपने फ्री फायर अकाउंट के अंदर। एंड हाँ बोले जिस तरीके से मैं आपको जो भी सेंसिटिविटी बताऊंगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उसके हिसाब से बताऊंगा जिस तरीके से आपका मोबाइल होगा उसी हिसाब से। देखो अगर आपके पास 2GB 3GB एंड 4GB तक मोबाइल है तो ये है ना प्री लुक आपको 99 रखना है। अगर आपके पास 6GB और 8GB और 10GB से प्लस है तो आपको कितना रखना है, तो आपको बस 20 रखना है, 20 ओनली फॉर 20 रखना है। ओके अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे स्नाइपर स्कोप के बारे में। जैसे कि स्नाइपर स्कोप है ना अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो तो भाई लोग है ना आपको कितना रखना है 150 से प्लस अगर आपके पास 6GB और 2GB के बीच के अंदर मोबाइल है तभी। तो यहाँ पे मैंने कितना रखा है यहाँ पे देखो 120 रखा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ज़्यादातर मोबाइल कमी रैम का है तो इसलिए यहाँ पे मैं है ना 120 रखा है। अगर ज़्यादा है तो आपको 50 ही रखना है, उससे ज़्यादा मत ले जाना। ओके अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 2x एंड 4x के बारे में। हाँ भाई लोग यहाँ पे क्या करते हैं बंदे लोग 2x एंड 4x है ना वो अलग अलग रखते हैं। तो भाई लोग ये है ना जो सेंसिटिविटी बताऊंगा वो 2GB से लेके अगर आपके पास कितना GB रैम वाला मोबाइल हो तो वो दोनों को दोनों समान है क्योंकि यहाँ पे आपको ये सभी के अंदर वर्क करती है नहीं कि एक ही मोबाइल के अंदर। एंड भाई लोग क्या बताएं यहाँ पे बंदों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आती रहती है और एक ही बंदे की भाई बार बार आती है और जैसी OB40 की अपडेट करने के बाद ये जाती ही नहीं भाई, ब्लॉक करने से भी नहीं जाती है। तो भाई परेशान मैं खुद ही हो जाता तो आप कितना खराब कितना परेशान हो जाते हो भाई पता नहीं यार, वीडियो बनाते बनाते डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताएं यहाँ पे अब रेड डॉट के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे है ना सब बंदे क्या करते हैं 200 सेंसिटिविटी ले जाएंगे। तो उससे क्या होता है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रियल वाली बात बता दूं, अगर आपके पास कितना भी पैसा अगर पूरा का पूरा खत्म कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं ना। उससे कोई जीना बिना कोई मजा है नहीं, मजा है ना। तो इसलिए यहाँ पे ना गैरेना हमें जो भी सेंसिटिविटी देती है 200 को 200 तो उसको पूरी खत्म नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे 10 को छोड़ देना है, वरना है ना कभी आपका हेडशॉट लगेगा तो कभी नहीं लगेगा, ऐसा दिक्कतें आती है। एंड हाँ कभी लग भी जाता है हेडशॉट तो मान लेना कि वो रियल और फेक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ना उसको 10 माइनस ही रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे जनरल सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे ना 186 रखा है क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास 2GB 3GB 4GB 6GB तक मोबाइल है तो ये सबसे बेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने है ना 186 ही रखा है। तो आप भी इसी तरीके से रख सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा मोबाइल है ज़्यादा 8GB से प्लस तो आपको कितना रखना है, तो अगर आपको 150 रखना है या तो आपको 160 रखना है, उससे आगे पीछे मत ले जाना, ये मेरी राय है। तो भाई क्या बोलूँ यहाँ पर इस तरीके से आपको सेंसिटिविटी सेटिंग थी तो आप यूज़ कर लेना और उसके बाद मुझे बताना कि किस तरीके से रहा हेडशॉट लगते हैं कि नहीं लगते हैं। उसके लिए है ना आपको ट्रेनिंग मोड के अंदर जाके एक आध वीक या तो आपको 2 दिन तक आपको ट्रेनिंग मोड के अंदर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
पड़ेगी, तभी ये सेंसिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको अगर 500 डायमंड लेना तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाल पे शेयर कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टा पे आपको सेंड कर देना है और उसी से मैं यहाँ पे आपको एक रीडिंग कोड दूंगा और रीडिंग कोड आपको ऐसे ही मिल जाएगा और इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ, और आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो भाई मुझे बताओ और सपोर्ट करो और फ्रेंडों के साथ ऐसे ही भेजते रहो। तो चलिए भाई लोग ऐसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।